ये देख। मैंने निशान जी को भी फोन करके पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये पत्थर ऐसे चमक नहीं रहा होता। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मोना को घर में रखना ठीक नहीं है, स्पेशली बच्चे घर में। मुझे लगता है कि मोना को बांधा ले जाना चाहिए। हैं? मंडप सजाना चाहिए? अरे अभी क्यों मंडप सजाना है, अभी कौन सा अंश की शादी हो रही है। चैताली, बांधा ले जाना चाहिए। हाँ भाभी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वाह, इसी पे अविनाश क्या सजेशन दिया है। आज इस काम को अंजाम देते हैं। चलो। लेकिन माँ, बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। आई फील, मैं यही उनके पास रुक जाता हूँ। माँ, मैं भी आता हूँ। आपको मामा को वापस लाने के लिए इससे बेटर जीजी चांस और कहीं नहीं मिलेगा। जीजी मतलब? जीजी मींस गनगोर गुड चांस बाबा। आपको कैसे पता? आखिर भाई किसका है? एनीवे, आप दोनों किस चांस के बारे में बात कर रहे हैं? वो भी हम आपको समझा देंगे, बस आप वो ही करना जो हम कहते हैं। परी बेटा, कैसे हो? आदि भैया कैसे हैं? सब ठीक है, but I'm missing you। जानती हूँ बेटा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आदि भैया भी आपको मिस कर रहे हैं। आदि भैया से कहना मैं उनको भी बहुत मिस कर रही हूँ। पापा भी आपको मिस कर रहे हैं। पापा से कहना। परी, बहुत शैतान हो गई हो तुम। मैंने कोई शैतानी नहीं की मम्मा। अच्छा, तो पापा का नाम क्यों लिया? पापा ने कहा ऐसे बोलने को? नहीं। कल आके तुम्हारे और कपड़े और स्कूल का बाकी सामान दे जाऊंगी। ओके मम्मा, बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें कुछ बताना था। नहीं नहीं, कुछ कुछ पूछना था, अर्जेंट है। क्या हुआ? सब ठीक है? बच्चे बच्चे ठीक है ना? बच्चे? हाँ हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक है। वो सावी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ना, इसलिए ऐसे आना पड़ा। तो क्या बात करनी थी तुम्हें? वो हम लोग बांदाब जा रहे हैं। माँ, पापा, चाचा चाची, तुम्हारे पापा, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो आदि और परी को अकेला नहीं छोड़ सकता ना, और वहाँ ले भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ खतरा है।
तो मैं सोच रहा था अगर तुम उन दोनों के पास रुक सको तो। अगर तुम उन दोनों के पास रुक सको तो। पापा ने ये लाइन इतनी बार बोल बोल के याद की है कि मुझे भी याद हो गई। आई होप पापा मम्मा के सामने नर्वस ना हो जाए, वरना हमारा सारा प्लान स्पॉइल कर देंगे। भाई तुम्हें लगता है ये प्लान वर्क करेगा? मेरा ब्रेन, शार्पनर, कंपास, वीडियो गेम, साइकिल, सारी चीजें वर्क करती है। अगर प्लान भी तो वर्क करेगा ना। तुम इतनी जीजी क्यों? जीजी मीन्स गन गोर गुड, या? नहीं, गन गोर गमंडी। चुप रहो, शोर मत मचाओ। अंश ये बात तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे। हाँ हाँ बता सकता था, लेकिन तुम इतनी दूर अकेले कैसे आओगी? मैं वहां वैसे भी नहीं आऊंगी अंश, तुम आदि और परी को यहाँ छोड़ जाओ। मामा कहेंगी कि आप मुझे और आदि भैया को उनके पास छोड़ जाओ, लेकिन आप अग्री मत करना, उन्हें हमारे साथ रुकने के लिए कन्विंस करना। कॉपी दैट? नहीं, आई मीन बच्चे सो रहे हैं ना, तो अभी उन्हें उठाना doesn't make sense, right? तो बेहतर होगा अगर तुम ही वहां चलो। सो रहे हैं? हाँ हाँ गहरी नींद में सो रहे हैं। तो नीचे गाड़ी में कौन है? वो बोला था उनको हेडस्टाउन करके रखना। अंश मैं जानती हूँ बच्चे चाहते हैं हम दोनों साथ रहें। वो तो बच्चे हैं लेकिन तुम तो बड़े हो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। और तुम बच्चों की बात मानकर ऐसे कोशिश करते रहोगे तो उनकी उम्मीदें और बढ़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती उनका दिल टूटे। अगर तुम नहीं चाहती कि उनका दिल टूटे तो मान जाओ ना भैया। लेकिन हनीमून तो लोग शादी के बाद जाते हैं। अरे तो भैया हम कौन सा शादी से पहले जा रहे हैं? आप समझे नहीं, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। ओ मिसेस जी, शादी ही पुरानी हुई है, लव स्टोरी तो नई नहीं है। तो बोलता है ना। हाँ चलो। नमन। हाँ बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, वो भी दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे। स्विट्जरलैंड? नहीं, पेरिस? नहीं, अलीबाग। आई शुड हैव नोन। कहा है कि हमने सोचा कि अपने देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो हमने अलीबाग से शुरू किया है। एक तो करीब में भी है, फट से गए और फट से आ गए, और बहुत सुंदर है। अरे आप इतनी खूबसूरत है तो फिर। अरे वो सब छोड़ो, एक प्रॉब्लम हो गई है। ओ, बताने की जरूरत ही नहीं है। वो जब आप आई ना तभी हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम साक्षात खुद ब खुद आ गई है। नहीं मतलब कि प्रॉब्लम है। वैसे क्या प्रॉब्लम है? भस्मिका तो भस्म हो चुकी है, उसके बाद कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई? हाँ नमन, भस्मिका मर चुकी है, पर ये देखो उसका ये नाखून अभी भी ग्लो कर रहा है। नमन हमें उससे जुड़ी हुई हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो कभी वापस ना आ सके।
मतलब कि हमको हमारा हनीमून कैंसिल करना पड़ेगा। क्या? हाँ? हम हनीमून पे नहीं जा रहे। अरे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी तो आपने कहा कैंसिल। हमारे कहने का मतलब है कैंसिल, मतलब वो कैंसिल नहीं, थोड़े दिन के लिए, लेकिन हम लोग पक्का जाएंगे। पक्का ना? पक्का। हालात जब से रीवा वंशी बने हैं काम का इतना ओवरलोड हो गया है, अगर ऐसे ही रहा तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? What? नहीं नहीं आप रुकिए, हम आ रहे हैं रेडी होके चलने के लिए, ठीक है? रुकिए। बांदाब से आने के बाद बच्चों को वापस लेकर जाए। चलो परी, चलो आगे। मम्मा, हम पापा के घर पे नहीं रुक सकते, वहाँ पर प्ले स्टेशन भी है। परी, ये खेलने का वक्त नहीं है, चलो। या एक मिनट। अब क्या है अंश? बच्चों को जाने से पहले बाई कहना था। मम्मा को परेशान मत करना। कॉपी डैड, कॉपी डैड। जल्द से जल्द बांदा पहुंचना होगा। अब इसके बाद ये डायन हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ निशान जी, जल्दी चलिए। चलिए। और फिर राजा और रानी की शादी हो गई। And then they lived happily ever after. Story over, अब आप दोनों सो जाओ, okay? मामा, लेकिन आपने स्टोरी अभी पूरी का सुनाई। मैंने तो पूरी स्टोरी सुनाई है। अभी ये राजा रानी के बच्चे तो आए नहीं। और बच्चों के बिना कोई स्टोरी पूरी नहीं होती मामा। लेकिन ये स्टोरी पूरी हो गई है, चलो अब सो जाओ। मामा, एक और स्टोरी प्लीज। नो नो मोर स्टोरीज, अब आप दोनों सो जाओ, मम्मा को काम है, मम्मा अभी आती है, ओके? हो गया। तुम्हारा तो ब्रेन शार्पनर कंपास वीडियो गेम प्लान सब वो कर देते, अब क्या हुआ? प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, पापा की एक्टिंग में। वो क्या है ना, पापा मम्मा के सामने नर्वस हो जाते हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना? चलो सोचते। मैं घर वापस जाते ही बीमार होने की एक्टिंग करने लगूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि मुझे मामा से मिलना है, फिर मामा को वहां आना ही पड़ेगा। मैंना एकदम जीजी प्लान। जब भी मामा के हाथ का गंगोर गंदे टेस्ट वाला काढ़ा पीना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारा प्लान जीजी है। नहीं नहीं, मुझे काढ़ा नहीं पीना। तो फिर सारे प्लान्स मुझे ही सोचने दिया करो। ओके फाइन बाबा, तुम ही बताओगे कि क्या करना है।
अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है और जब भी मुझे नींद आती है ना तो फिर मेरा दिमाग भी स्लो हो जाता है, इसलिए ना अभी सोचने का काम ना बाद में करेंगे, अभी ना मैं सोने जा रही हूँ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दिमाग में। अरे नहीं सुपेर, सच में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर है। अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो मेरी और अंश की शादी कब की हो चुकी होती। एनीवे, जो तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया वो अब तुम्हारी वजह से ही होगा। अब मैं पिया बनके अंश से शादी करूंगी और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि ना ही कोई तुम्हें देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। आज से दुनिया की नजरों में पिया मैं हूं और तुम हो के भी नहीं हो। तुम दैविक हो ना, तो आप देखते हैं एक दैविक अपने बच्चों और हस्बैंड एक्स हस्बैंड को बचा पाती है या नहीं। मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना ये बात मुझे नहीं, अपने बच्चों से कहो कि मुझसे दूर रहे। जा, कहो ना उनसे। खड़ी क्यों, जाओ। चैताली, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे दिन में सो रही हो। भाभी वो क्या है ना, जब मैं आंख बंद करती हूँ ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो डर कम लगता है। चैताली इतनी फिक्र मत करो, पीछे होके आराम से बैठो। अंश का फोन है। अंश का? हाँ अंश। हाँ चाचू, बांदा मंदिर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। ओके, 2 घंटे का रास्ता है। मतलब 2 घंटे में मोहना हम सब की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिक्र मत करो, माता रानी सब ठीक करेंगी। आवाज कैसी थी? शायद पेड़ की कोई टहनी छत से टकराई होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।